जी हाँ दोस्तों, जहां इन दिनों बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त KGF चैप्टर 2 में अपने अधीरा लुक को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं, लेकिन इससे पहले वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में इस वजह से थे क्योंकि उनको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी। बता दें दोस्तों, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को अब मात दे चुके हैं संजय दत्त, जहाँ इनकी पर्सनल लाइफ में उनकी वाइफ मान्यता दत्त का काफ़ी अहम रोल रहा है। जहाँ संजय चाहे जेल गए हों या फिर बीमारी से जूझ रहे हों, दोनों ही सिचुएशन में एक बात कॉमन थी और वह थी उनकी वाइफ मान्यता। यही कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो संजय दत्त की लाइफ में मान्यता का हाथ जरूर है, जो हर दम अपने पति के साथ खड़ी दिखी। ऐसे में आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे बी ग्रेड आइटम गर्ल मान्यता दत्त बन गई मिसिज दत्त। आप सभी को बता दें दोस्तों कि मान्यता दत्त का असली नाम दिलनवाज शेख है और उनका जन्म मुंबई में ही सन 1989 को हुआ था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मान्यता की पूरी परवरिश दुबई में ही हुई। कहते हैं कि मान्यता भी बॉलीवुड में बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हर किसी के सपने ही दोस्तों हीरोइन बनने के होते हैं, लेकिन उनके सपने अलग होते हैं और उनकी राहें अलग। इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की, काफ़ी प्रयास भी किया, हर तरफ दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वह बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी। उन्होंने फिल्म गंगा जल में एक आइटम नंबर भी किया था। संजय के साथ मान्यता की यह दूसरी शादी है। इससे पहले मान्यता की शादी मेराज उर रहमान से हुई थी, हालांकि जल्द ही दोनों के बीच तलाक हो गया था। वही मान्यता की संजू बाबा से पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। कहते हैं दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया और यही मुलाकात प्यार में बदल गई थी, जिसके बाद मान्यता और संजय दत्त ने साल 2008 में गोवा में शादी कर ली थी। अब बात संजू बाबा के वर्क फ्रेंड की करें तो दोस्तों, उनकी अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर काफ़ी इंतज़ार है, जहां पर वो शमशेरा और भुज फिल्म में भी नज़र आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार उनके अधूरा वाले लुक को है लेकर। लेकिन दोस्तों, किस प्रकार से आपने ये भी देखा मान्यता दत्त की लाइफ ने किस प्रकार से करवट बदली और आज संजय दत्त की वाइफ के तौर पर बखूबी जानी जाती हैं और हर कदम पर उनका साथ भी निभाया है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।